जो एक्ट होने वाला है वो छत्रपति के लाइफ के ऊपर ही एक्ट जो है वो बिटाने का था। थोड़ा सा तलवार का बैलेंस गया तो थोड़ा सा लग गया मेरे पैर को। आज डे टू है फोटोग्राफी का, तो आज सिर्फ मेहंदी है। तो इसका जो है वो जोमेटो का आईडी चालू कर दिया है। तो ये बोल रहा है पहले दो तीन दिन तुम दिखाओ, तुमने किया था ना काम। हमारे एरिया के लड़के अभी चल रहे हैं इनका, एक दिन पहले उधर दूसरी टीम रुकी हुई, फुल एक दूसरे को फुगा मारा मारी चल रही। आज हो रही है धनों की धुलाई, जिनको चलाने को दिए वो सिर्फ चलाते, धोने का कभी नाम ही नहीं लेते। तो अभी दो तीन दिन से गाड़ी मेरे हाथ में थी तो बोला धो के इसको, पूरा चकाचक करते, और दो तीन चीज़ें भी बिटा नहीं थी, अभी वो बिटा देते। तो यहाँ पे होती है हमारी डांस प्रैक्टिस। तो आधे घंटे पहले, सॉरी 8 बजे जो है वो मुझे फ़ोन आया दोस्त का, बोला एक एक्ट करने का है तो जल्दीबाजी में आ जा। तो मैं आया, तो आते ही सबसे पहले सॉन्ग अभी तक वो एडिट नहीं हुआ था तो वो सॉन्ग हुआ। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये जो एक्ट होने वाला है वो छत्रपति के लाइफ के ऊपर ही एक्ट जो है वो बिटाने का था, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा वाला फील भी था, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी काम ही है। तो अभी सॉन्ग फाइनल होने के बाद अभी उसमें सुन रहा हूँ मैं, अभी हेडफोन में मेरे को काम दिया है कि स्टोरी टेलिंग जो करने वाला है तो वो जिम्मा मेरे को ही दिया है। तो अभी मुझे वो सुन के उसमें प्रेजेंट करना है, दिखते वक्त आसान दिखता है लेकिन उसको क्रिएटिवली स्टेज पे एक्ट करना, मतलब एक्टिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अभी उसका ही मेरे दिमाग में थॉट रह रहा है, मतलब चल रहा है कि क्या कैसे मैं प्रेजेंट करूँ वो स्टेज पे। अभी वही दो तीन बार मैंने जो पूरा लाइनअप है सॉन्ग का वो पूरा सुन लिया, अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो देखो कल शो है और आज रात के 9:30 बजे जो है वो प्रिपरेशन चल रही है। तो ऐसे तो मैंने खुद को भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो काम कैसे करे, अच्छी तरह से कैसे करे, अभी वही उसी की तैयारी करता हूँ मैं। तैयारी हो रही है रात के 11 बजे। मेरा नाम चिन 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 मेरा चिन चिन चिन। तो आज का जो शो है वो है JW मैरिड को, पुणे में का है वो, SB रोड को। अभी स्टेज पे आया हूँ, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें देखेंगे बोल के। यहाँ पे चल रही है अभी कॉस्ट्यूम पहनने की, वहाँ पे महाराज रेडी हो रहे, और यहाँ पे स्टोरी टेलर। एक्ट करते वक्त थोड़ा सा तलवार का बैलेंस गया तो थोड़ा सा लग गया मेरे पैर को, फट गया है, खून निकला है, पता नहीं अभी कितना लगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, छोटे से लगते रहते हैं मेरे को। ऐसा ही लुक कमेंट करके बताओ। चलो फिर एक और दिन। तो आज का काम जो है वो फोटोग्राफी का है। अभी बजे सुबह के लगभग
9:10 अभी धनों को तो यहाँ पे पार्किंग कर दिया है, अभी जो आने वाले है उसकी राह देखते बैठे हुए। फोटोग्राफी आज एक प्री वेडिंग शूट करना है। तो चालू हो चुकी है प्री वेडिंग, धूप की वजह से ठीक ठाक नहीं आ रहे मेरे कैमरे में, फिर कोई बात नहीं, उनके पास दूसरा कैमरा है। और यहाँ पे देखो कौन सी गाड़ी, रियल मैन ड्राइव दिस। तो लोकेशन जो है वो चेंज कर दिया है, तो मैंने लेंस भी जो है वो चेंज कर दी दूसरी वाली जो है। मैं तो किट लेंस से ही काम करता हूँ, ये थोड़ा सा अभी देखेंगे क्योंकि ये जो लाइट आ रही है ना ये धूप की, इसकी वजह से ठीक ठाक जो है वो मन को अच्छा लगे ऐसे कुछ फोटो आ नहीं रही मेरे इसमें। रुको रुको यहाँ पे ले, हो सकता है दो फोटो लेता हूँ, रुको। आज डे टू है फोटोग्राफी का, तो आज सिर्फ मेहंदी है, तो सेटअप सारा जो है वो लेके आए थे, थोड़े बहुत फोटो खींच लिए, अपना काम चालू। आओ खाने को। हो गया पैकअप रात के 11 बजे, अब यहाँ से सब तैयारी करके इन लोगों को खाना खा के जो है वो निकलते निकलते बजेंगे 12। तो ये हॉल दूसरा वाला है, वो सुबह का था वो अलग था, ये अलग है। कल रात को 12 बज गए थे घर, तो घर को जाते जाते अभी सुबह बहुत जल्दी का टाइमिंग दिया था इन्होंने, 7 बजे जो है वो यहाँ पे आने के लिए कहा था, मुझे आते आते बज गए 7:30। आते वक्त क्या हवा थी, एकदम ठंडी ठंडी, एकदम सुकून देने वाली थी, राइडिंग करने में बहुत मज़ा आया। यहाँ पे अपने सूरज मामू आ गए आज बहुत जल्दी, मैं आया हूँ काम पे, यही होटल में जहाँ पे हम अपना वेडिंग में जो एंट्री करा करते वही लोकेशन पे, लेकिन इस बार फोटोग्राफी। जस्ट घर पे आके बैठा ही था, मतलब फोटोग्राफी करके निकला था, तो इसका जो है वो जोमेटो का आईडी चालू कर दिए। तो ये बोल रहा है पहले 2-3 दिन तुम दिखाओ, तुमने किया था ना काम, तो अभी उसको जो है वो दिखाऊंगा, आज पहले दिन है इसका। तो ऐसे बहुत लोगों के काम जो है वो पहली बार मेरे को स्टार्ट करके देना पड़ता है, हर जगह मेरे को मेरी जरूरत, तू चल करके सब मेरे पीछे लगते, तो चाहिए मुझे वही वहाँ पे ऐसा कुछ। चलो कोई बात नहीं, अपना काम नहीं हो रहा है तो किसी का तो काम करने में मदद करते हैं। पहली ऑर्डर मैंने डिलीवर की, अभी दूसरी ऑर्डर पिकअप कर रहे हैं। अभी बजे रात के 11 बजे और खाना चल रहा है, और इस साल का पहला आम रस। आज होली का दहन है वैसे तो, और कल धूली बंधन है, हमारे इधर ऐसे मनाते हैं, लेकिन अभी देखो हमारे एरिया के लड़के अभी चल रहे हैं इनका, एक दिन पहले उधर दूसरी टीम रुकी हुई है, फुल एक दूसरे को फुगा मारा मारी चल रही है।
आले ए आला और दूसरा आला अगले रे अगले यहाँ की जल गई अभी, वहाँ की जल के थोड़ा टाइम हो गया। अभी अपना यहाँ पे सब तैयारी हो गया है, अभी ये जलेगी थोड़ी देर में, सब तैयारी वेरी पूजा वीजा करके वहाँ पे अच्छा आग पकड़े देखो। जल गई इस साल की होली। हैप्पी होली। होली कदर परत परत अभी ये थोड़ा आग में भुना हुआ खाएंगे। तो आज धूली बंदन है तो ये सब खेलना चालू कर चुके हैं। देखो अभी वहाँ पे फंसा एक बकरा उस पे चल रही फायरिंग है देखो यहाँ पे बम में अंडा फोड़ा जा रहा है अरे कमी तुम्ही राखेत नाही म्हणतो रे हे करा अभी इधर अंडा मारा मारी भाग अयो अयो लो जी मेरे पे भी हो गई फायरिंग। तो नीचे से ऊपर आ रहा था तो बच्चों ने जो है वो पकड़ लिया लड़कों ने और पूरा रंगा दिया था, पूरा हाथ दिल सब 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 मेरे को तो रंगा है रंगा है, दोनों को भी पूरा रंग दिया देखो दोनों ने भी होली खेली।